हे गाइस, स्वागत है आपका कंप्यूटर नॉलेज पॉइंट में। आज मैं आपको इंसर्ट टैब के बारे में बताऊंगी। तो इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन है। पहला ग्रुप है हमारा टेबल्स, इसके अंदर पहला ऑप्शन है हमारा पेजेस। पेजेस के डाउन एरो की पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हम देख सकते हैं तीन ऑप्शन है हमारे पास, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। बारी बारी से सीखते हैं। कवर पेज क्या होता है गाइस? हमारे डॉक्यूमेंट को अच्छा स्टाइल लुक देने के लिए हमें उसके कवर की ज़रूरत होती है, तो वो कवर पेज होता है। देखते हैं कि कैसे इसको हम इंसर्ट करते हैं। यहीं पे जाएंगे और सपोज मुझे इस वाले पेज पर, क्योंकि हमें वो ऑटोमेटिकली सबसे ऊपर वाला पेज चूज़ कर लेगा। कवर पेज पे जाएंगे और देखते हैं इसमें से कौन सा हमारे डॉक्यूमेंट के लिए सुटेबल है। यहाँ पर आपको बहुत सारे बने बनाए डिज़ाइन मिल जाएंगे कवर पेज के। आप इसमें से कोई सा भी कवर पेज अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हो। सपोज मुझे ये वाला इंसर्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट में, तो हम कैसे करेंगे इसको इंसर्ट? माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, और अगर आपके पास लैपटॉप है तो डबल क्लिक कर देना आप अपने माउस में, ये इंसर्ट हो जाएगा। अब आप इसके अंदर एडिट कर सकते हो अपने टाइटल का नाम। सपोज़ मेरे टाइटल का नाम कंप्यूटर नॉलेज पॉइंट है, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। फिर इसको हम फॉर्मेट कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, जो भी आपको एडिटिंग चाहिए उसको सिलेक्ट करने के बाद आप इसको ऐड कर सकते हो। और क्या क्या कर सकते हो उसमें? अगर कोई डॉक्यूमेंट का आपका टाइटल है वो कर सकते हो, वो लिख सकते हो वहाँ पर, एडिट कर सकते हो आप। फिर अपने कवर के बारे में, आपने जिस चीज़ के बारे में प्रोजेक्ट बनाया है उसके बारे में आप लिख सकते हो यहाँ पर दो तीन लाइंस में, ये चीज़ है। इसके अलावा गाइज हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। हमने जो कवर पेज अपना इंसर्ट किया है हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे एडिट देखते हैं। जैसे कि अभी मेरे पास मेरे कवर पेज में दो शेप्स हैं, पहला ये और दूसरा ये। गाइज ये शेप्स ही होते हैं, इनको हम एडिट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके ऊपर जब हम अपना एरो लेके जा रहे हैं तो ये पिकअप टूल हमें दिखाई दे रहा है। ये देखो गाइज, ये पिकअप टूल हमें दिखाई दे रहा है। इसे हम चेंज कर सकते हैं। इसको जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया पिकअप टूल से, अब जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ड्राइंग टूल्स के नाम का एक ऑप्शन आ गया मेरे पास। इसको हम क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद हम यहाँ से शेप के स्टाइल भी अलग अलग दे सकते हैं। देखो जैसे कि मुझको अगर अपने डॉक्यूमेंट का कलर ये वाला देना है तो ये मैंने दे दिया। उसके बाद जो भी चेंज वगैरह करना है, उसके बाद चेंज करने के बाद आप इंसर्ट में ही आइए और पेजेस में ही आइए, कवर पेजेस में ही आइए। अब क्योंकि हमने ये एडिट किया है, ये सेम अब पहले जैसा कवर नहीं रहा, इसमें कुछ ना कुछ चेंज हो गया है। और अगर हमको ये लगता है कि फ्यूचर में भी हमें इसकी नीड हो सकती है तो हम फ्यूचर के लिए इसको संभाल के रख सकते हैं। इसको फ्यूचर के लिए कैसे संभाल के रखेंगे? सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी, ये एक ऑप्शन है। इस पर हम क्लिक करेंगे माउस का लेफ्ट बटन, और यहाँ पर हम इस कवर को नाम दे सकते हैं। सपोज मैंने कंप्यूटर नॉलेज पॉइंट ही इसको नाम दे दिया, ये मैंने नाम दे दिया इसका, और गैलरी में कवर पेज में ही आएगा। कैटेगरी क्या होती है? कैटेगरी गाइस इसके अंदर आप जब देखोगे तो, अगर मैं इसको अभी क्लोज करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ कैटेगरीज होती हैं। अगर मैं इसको क्लोज करके आपको दिखाऊं, इंसर्ट में ही आएंगे ये कैटेगरीज क्या है इसको जानने के लिए। कवर पेज में ही आएंगे तो ये देखो बिल्ट इन ये कैटेगरीज होती है, बिल्ट इन में ऐसी कैटेगरीज हैं। फिर अगर आप कोई जर्नल में अपने लिए कुछ अलग सा बनाते हो, कुछ एडिट करते हो, जैसे मैंने अभी
अपने डॉक्यूमेंट के लिए अलग से बनाया, तो वह कैटेगरी आप दे सकते हो उसके अंदर कि आपका जो कवर पेज है इस कैटेगरी में है। तो दैट्स वाई ये एक कैटेगरी अलग अलग होती है। अब आप कैटेगरी मैंने जनरल में ही कर दिया, बिल्ट इन पे भी कर सकते हो, बिल्ट इन में जो पहले वाले कवर थे उनके साथ ही इंक्लूड होकर आ जाएगा। फिर एक न्यू कैटेगरी भी आप बना सकते हो, न्यू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम बना देंगे जैसे कि अभी मेरा है स्कूल प्रोजेक्ट के नाम से मैंने बना दिया, स्कूल के नाम से बना दिया और ओके कर दिया। ये मैंने कैटेगरी एक नई चूज कर ली, दो पहले से ही कैटेगरी थी गाइज, ध्यान रखना आप, बिल्ट इन एंड जनरल पहले से ही कैटेगरी थी और स्कूल की मैंने नई कैटेगरी बना दी क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है मेरा स्कूल से रिलेटेड है। सपोज मान लो कॉलेज के नाम से बना सकते हो, ऑफिस के नाम से बना सकते हो आप। और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया कि वेरी इंपॉर्टेंट, आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन में कि आपका एक कवर पेज किस चीज़ से रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया वेरी इंपॉर्टेंट, और जैसे आप ब्रैकेट में साइंस वगैरह ऐसे कुछ भी जो भी आपको डिस्क्रिप्शन सही लगता है कि इस कवर पेज को अगर मुझे इन फ्यूचर सर्च करना हो तो मैं कैसे सर्च करूँगा, मैं करूँगी तो इसलिए। फिर सेव इन इसमें ही आप पहन दो, ओके कर दो उसके बाद, तो ये एक नई कैटेगरी के रूप में इंसर्ट में पेजेस में पेज कवर में बिल्ट हो जाएगा अपने आप क्योंकि आपने बनाया है इसको। आप इसको इंसर्ट दोबारा कैसे करेंगे तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये हमारा बना है या नहीं बना है। कंट्रोल एन से हम नया पेज लेंगे, कंट्रोल एन से मैंने नया पेज ले लिया। अब ये देखो डॉक्यूमेंट टू, ये नया पेज आ गया मेरे पास और मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया और पेजेस पे क्लिक किया, पेजेस का कवर पेज पे क्लिक किया और अब मेरा कौन सी कैटेगरी थी वो स्कूल, स्कूल कैटेगरी थी ना, तो पहली कैटेगरी यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्ट इन है। दूसरी कैटेगरी हमारे पास आ गई जर्नल और तीसरी कैटेगरी ये रही स्कूल। अब जैसे ही मैं इस कवर पे अपना एरो लेके जाऊंगी तो जो भी मैंने डिस्क्रिप्शन इसके बारे में लिखा था वो मेरे एरो के नीचे आप देख सकते हो वेरी इम्पॉर्टेंट मैंने लिखा था तो वो आ गया। तो उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये इंसर्ट हो जाएगा, ये चीज़ है इसके अंदर। फिर आप एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से दोबारा, तो ये चीज़ थी। अब आपने एडिट कर दिया बट आपको अब ये कवर पेज नहीं चाहिए तो आप रिमूव भी कर सकते हो यहाँ से। कैसे, पेजेस में ही जाएंगे और रिमूव करंट कवर पेज इस पर क्लिक कर देंगे तो ये मेरा करंट पेज रिमूव हो गया। यहाँ पे भी कर सकते हैं, इंसर्ट में गए, यहाँ गए और रिमूव कवर करंट कवर पेज हो गया। अब ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक बचा है, इसको गाइस दो तरीके से कर सकते हैं, पहला हमारा शॉर्टकट की है और दूसरा यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पे भी आके कर सकते हो आप। ब्लैंक पेज आपको पता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट के बीच में कहीं कोई ऐसा पेज हमें लगता है कि हमें इंसर्ट करना चाहिए और कुछ हमारा टेक्स्ट छूट गया है और उसके अंदर वो मुझे फिलअप करना है लेकिन उसके लिए पूरा पेज मुझको चाहिए हो है तो उसके लिए हम ब्लैंक पेज का यूज़ करते हैं। ब्लैंक पेज को इंसर्ट कैसे करते हैं, जिस पेज के बीच में आपको ब्लैंक पेज इंसर्ट करना है उस पेज के ऊपर आप क्लिक करो, उसके बाद इंसर्ट में जाओ, पेजेस में जाओ और ब्लैंक पेज, तो इसके और इसके ये देखो आप फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों के बीच में ये ब्लैंक पेज इंसर्ट हो गया। आप बोलोगे कि ये कंप्यूटर नॉलेज पॉइंट तो लिखा हुआ आ रहा है, वो इसलिए लिखा हुआ आ रहा है गाइस क्योंकि मैंने एक बार हेडर बना दिया इस नाम से, अब चाहे जितने करोड़ों भी पेजेस इसके अंदर इंसर्ट हो जाए तो भी उसके ऊपर कंप्यूटर नॉलेज पॉइंट नाम का हेडर आएगा ही आएगा, इसलिए हेडर आपका जो होता है वो आपके डॉक्यूमेंट में हर पेज पर दिखाई देगा, हेडर हो या फुटर हो दोनों में से कोई भी हो, दोनों होंगे तो वो भी दिखाई देंगे।
और इनफैक्ट आप वाटरमार्क भी देख सकते हो, मेरे पेज पे वाटरमार्क भी लगा हुआ है और उसके अंदर मैंने एक पिक्चर भी इंसर्ट करी है, लोगो लगाया है मैंने इसके अंदर। तो ये चीज़ है इंसर्ट ब्लैंक पेज इंसर्ट। हाँ, उसके बाद सेकंड था तरीका शॉर्टकट की के माध्यम से। कैसे करेंगे, जिस पेज के बाद आपको चाहिए है वहाँ पर आप क्लिक करोगे और कंट्रोल प्लस एंटर क्लिक कर दोगे तो आपके पास ऑटोमेटिक एक नया पेज इंसर्ट हो जाएगा। जैसे अभी अभी मेरा नया पेज इंसर्ट यहाँ पर हुआ है, ड्रैग करो इसको नीचे स्क्रॉल बार को डाउन ड्रैग और ये देखो ये मेरा ब्लैंक पेज है। नेक्स्ट कौन सा था, पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या होता है, पेज ब्रेक समझते हैं। इसके लिए थोड़ा सा हमको टेक्स्ट भी चाहिए होगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। टेक्स्ट आपको पता है हम कैसे लाएंगे, रैंडम पैराग्राफ से, RAND। कंट्रोल सॉरी शिफ्ट के साथ 9 और शिफ्ट के साथ 0 एंटर। अब इसको क्लोज कर देते हैं। अब आता है पेज ब्रेक कैसे करते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो है यहाँ पर आकर पेजेस में आकर आप पेज ब्रेक कर दो, और दूसरा है शॉर्टकट की के माध्यम से। गाइस पेज ब्रेक किया किस लिए जाता है, इम्पॉर्टेंट ये है। तो पेज ब्रेक इसलिए किया जाता है ताकि अगर हमको लगता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है उसके बीच में हमें कुछ और भी इंसर्ट करना है, जैसे कि ये थीम वर्ड लिखा हुआ है, ये थीम वर्ड लिखा है लेकिन हमें इससे पहले कुछ और भी इंसर्ट करना है और इसने तो इतना पेज घेर लिया है। अब मैं ये चाहती हूँ कि ये जो थीम वर्ड है ना वो दूसरे वाले पेज पे चला जाए और मुझे इतना ब्लैंक पेज मिल जाए, कहाँ तक थीम जो है वो दूसरे पेज पे चला जाए और गैलरीज के बाद मुझे पूरा ब्लैंक पेज मिल जाए। तो हम क्योंकि हमें थीम को नेक्स्ट पेज पे लेके जाना है, यही होता है पेज ब्रेक करना, तोड़ना पेज को ब्रेक करना। तो हम थीम के पास अपना एरो से क्लिक करेंगे और उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे, फिर पेजेस में जाएंगे और पेज ब्रेक कर देंगे। तो ये देखो थीम नेक्स्ट पेज पे चला गया और यहाँ पर मुझको गैलरी के बाद इतना सारा मुझे स्पेस मिल गया। तो मैं यहाँ पे कोई भी और भी अगर टाइप करना है, मुझको टेक्स्ट कुछ भी टाइप करना है, मैं इसको आराम से कर सकती हूँ। दूसरा क्या तरीका था गाइस, कंट्रोल जेड से अंडू कर देते हैं। दूसरा तरीका था शॉर्टकट की, कैसे करते हैं वही आपको करना है। थीम जिसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाना है उसके सामने उसके लेफ्ट साइड, बिल्कुल लेफ्ट साइड आपको क्लिक कर देना है। ये जब ब्लिंक होने लगेगा ना, ये जो ब्लिंक हो रहा है आ रहा है और जा रहा है, ये चीज़ ये जो ब्लिंक हो रही है इसके इसको यहीं पर क्लिक करके छोड़ देना है। उसके बाद आपको कंट्रोल प्लस एंटर की एक साथ प्रेस करनी है, कंट्रोल प्लस एंटर। तो ये देखो ये दूसरे पेज पे चला गया। तो ये शॉर्टकट की के माध्यम से पेज ब्रेक हो गया। ये थी गाइस आज की पोस्ट। तो आशा करती हूँ आपको ये पोस्ट पसंद आई होगी और अगर आपको इन तीनों ऑप्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखो मुझको, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड करने की पूरी कोशिश करूँगी। कल हम इलस्ट्रेशंस करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे एट होम।